श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 12 जनवरी गुरुवार के दिन माघ मास की पंचमी तिथि है। इस बार संकष्ट चतुर्थी 2 दिनों तक मनाई गई। 10 और 11 जनवरी को संकष्ट चतुर्थी मनाई गई, वहीं 12 जनवरी को पंचमी तिथि है। यह मास हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अधिक महत्वता रखता है। इस मास में पड़ रहे कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हिंदू धर्म की मान्यताओं को और ज्यादा अधिक बढ़ाते हैं। इसे तुलसी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस पंचमी तिथि को यह छोटा सा उपाय पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बताया गया करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। आपके सारे पाप नष्ट होंगे। महादेव की विशेष कृपा आपको इस उपाय के करने से प्राप्त होगी। मन में शांति का वास होगा। घर में अगर पैसों की बहुत कमी रहती है तो वह इस उपाय से अवश्य ही दूर होंगी। इस उपाय को आप पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। आपको इस दिन क्या करना है कि प्रातःकाल स्नान आदि कर लीजिएगा। सबसे पूर्व स्नान आदि करने के बाद आपको 2 पत्तियां तुलसी की लेनी है। थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, कुछ अक्षत के दाने, शुद्ध लोटा जल, यह सब सामग्री लेकर किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है कि जो तुलसी की पत्तियां 2 आप लेकर आए हैं उसमें से 1 पत्ती आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। दूसरी तुलसी की पत्ती आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। यह करने के बाद जो गुड़ आप कराए हैं उसे थोड़ा थोड़ा इन दोनों स्थानों पर अर्पित कर दीजिएगा। अक्षत के दाने लेकर आए हैं जो अपने साथ, थोड़े थोड़े करके इन दोनों स्थानों पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद शुद्ध लोटा जल लेकर बिल्कुल पतली धार से शिव जी को जल अर्पित करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपको जल अर्पित करना है। यह करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो गुड़ आपने शिवलिंग के 2 स्थानों पर अर्पित किया था, शिवलिंग के ऊपर और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसमें से थोड़ा थोड़ा गुड़ आपको प्रसाद के रूप में उठा लेना है और अपने साथ घर लेकर आना है। परिवार जनों के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खिला देना है। महादेव की अपार कृपा होगी। घर में पैसों की कमी अगर लगातार रहती है तो वह दूर होंगी। साथ ही में घर के वातावरण में आपको सुधार देखने को मिलेगा। यह छोटा सा उपाय एक बार अवश्य करके देखिएगा। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।